अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और आपने कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी वेबसाइट की या अपने क्लाइंट की वेबसाइट की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आज के दौर में, अगर मैं कहूँ कि सोना बनाने की तरकीब है, अगर आपको अच्छे अंदाज से आ जाए तो इसमें आप बहुत ही पैसे कमाते हैं। आपने यहाँ पे ना जॉब्स करते हुए लोगों को देखा होगा, और यहाँ पे कई लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं, लेकिन उनको असल में अच्छे अंदाज से नहीं आती। जिसको अच्छे अंदाज से आ जाती है वो किसी की जॉब नहीं करता, वो इतना पैसा कमाता है कि दूसरे सारे यकीन ही नहीं करते। असल चीज़ ये है कि इसको कैसे हम सीखें, कैसे इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, और कैसे हम क्लाइंट्स की या अपनी ज़ाती वेबसाइट्स के लिए इसको इस्तेमाल करें ताकि आप अच्छे अंदाज से पैसे कमा सकें। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन असल में डायरेक्टली आपको पैसे कमा के देता नहीं है, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप ऐसा काम सीख लें कि गूगल में पहले नंबर पर या दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर ले आएँ खास कीवर्ड्स के लिए अपनी साइट को, तो ये साइट आपको कई ऐसे रास्ते खोल देगी जिससे आप पैसे कमा सकेंगे, चाहे वो गूगल एडसन से, चाहे आप कोई अफिलिएट मार्केटिंग से, चाहे किसी भी सूरत में आप पैसे कमा सकें, कोई चीज़ बेच सकें। तो जिस बंदे की वेबसाइट रैंक करती है वो बंदा बहुत पैसे कमाना शुरू कर लेता है। अब ये कैसे करते हैं लोग, इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास जो स्क्रीन पे है, मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको। अगर मैं गूगल में सर्च करूँ यहाँ पे ऐसे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, तो इसके बाद देखें आगे वो फॉर लेडीज़ भी आ रहा है और बाकी और चीज़ें भी आ रही हैं। मैंने ये सर्च किया, मैंने ये सर्च जब किया तो यहाँ पे मुझे टॉप पे इस तरह की वेबसाइट्स नज़र आई। ये देखें, गुड हाउस कीपिंग डॉट कॉम है साइट जो टॉप पे आ रही है, और ये साइट खाली इस एक कीवर्ड से मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो शायद कुछ 3 से 4 हज़ार डॉलर इसको इससे आते होंगे, ठीक है ना। आपने अपने पास ना हिसाब करते जाने कि लोग कितना पैसा कमाते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। जब लोग इसको अच्छे अंदाज से रैंक करते हैं तो फिर उनको अच्छे खासे पैसे आते हैं। आप देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो चीज़ है कि बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे ये देखें बिजनेस इनसाइडर, ये भी इस तरह के कामों में काफ़ी इन्वॉल्व हैं और चीज़ें सेल कर रही हैं। असल चीज़ है कि ट्रैफिक आपको मिलेगी तब जब आप गूगल पे सर्च करने पे आप इस तरह से इतनी सारी साइट्स में से पहले चंद नंबर्स में आएंगे। फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपकी साइट 11वें नंबर पे अगर आती है तो बड़े कम से चांसेस हैं पहले पेज के ऊपर, यानी कि 10 जो पहले रिजल्ट्स हैं टॉप 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की हर तरफ दौड़ की लगी हुई है और लोग चाहते हैं कि हम लोग इस अपनी जो वेबसाइट है इसको ऊपर लेके जाएं, यहाँ तक कि वो रैंक कर जाए और वो टॉप 3 में कहीं आ जाए। जब टॉप 3 में आती है तो पैसे अच्छे अंदाज से आते हैं, मशीन बनी होती है सारी आपकी साइट और आप वो नोट प्रिंट करती है। लेकिन ये मसला है कि कंपटीशन इतना सख्त होता है कि हम लोग इसको कर नहीं पाते अक्सर औकात, लेकिन फिर भी इसमें गुंजाइशें हैं जगह जगह पे। अगर वो गुंजाइशें आप निकाल लें, आप देखें कैसे आपने यहाँ पर रैंक करना है, तो फिर आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, बात ये थी कि कैसे ये रैंक किया जाता है। गूगल का जो सिस्टम है इसमें 200 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे गूगल इसको वेबसाइट्स को रैंक करती है। अपने देखें ये 6 करोड़ 68 लाख वेबसाइट्स हैं जो इससे मुतलका थीं, तो तरतीब इसने कैसे लगाई थी, जो नंबर 1 पे शो करवाई है इसने क्यों करवाई है, ये इसके पीछे 200 फैक्टर्स हैं, यानी 200 सवालों के जवाब हैं। अगर आप अच्छे अंदाज से सवालों के जवाब देते हों प्रैक्टिकली तो वेबसाइट आपकी ऊपर नज़र आती है। इसमें चंद एक जो चीज़ें हैं, 200 जो इसके हैं फैक्टर्स हैं, इनको लोग डिस्कवर नहीं कर सके, ये गूगल की सीक्रेसी है, प्राइवेसी है, वो शो नहीं करवाते। लेकिन जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स थी इन्होंने ऐसे तजर्बात किए कि गूगल की ये जो थी प्राइवेसी इसको तोड़ डाला, इस पे से कई चीज़ें निकाल ली। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दो इसके बड़े पार्ट हैं। पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं ऑन पेज SEO, यानी आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसके वेबसाइट की ऐसी सेटिंग
जिसको गूगल पसंद करे। इसमें आपकी आर्टिकल राइटिंग भी इसमें आती है, इसमें आपकी जो स्पीड की ऑप्टिमाइजेशन आती है, इमेज के ऑल्ट टैग्स और इस तरह के कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ये सारे लेक्चर इंशाल्लाह करेंगे। तो दूसरी चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO होती है कि आपकी साइट की दूसरी साइटों से कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आते हैं। तो जो वर्ड्स हैं ये होते हैं बैकलिंक्स। जब आपकी वेबसाइट के या आपकी क्लाइंट की वेबसाइट के डिफरेंट वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स लगे हों तो वो बैकलिंक्स सारे वर्ड्स होते हैं। अब इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स होते हैं, वो हैं गेस्ट पोस्टिंग के। गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से मेरा जो था जो कोर्स है GBOB, ये इसी हवाले से था। क्लाइंट्स को इसकी ज़रूरत है, ये एक्सपेंसिव भी है, आप इसमें अच्छे पैसे कमाते हैं, क्लाइंट इसमें अच्छे पैसे खर्च करता है, या अगर आपने खुद से करनी है अपनी साइट की SEO तो आपको भी गेस्ट ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। तो बाकी और भी इसके बैकलिंक्स होते हैं, जैसे डिफरेंट जो ब्लॉग्स हैं इनके ऊपर कमेंट्स में आप इसको अपनी साइट को लिंक कर दें, या फिर डिफरेंट फोरम्स हैं वहाँ फोरम पर जाके लोगों से डिस्कशन के दौरान में वहाँ अपना लिंक बताएं कि ये लिंक मेरा चेक करो, यहाँ पे साइट देखो, लेकिन जहाँ पे रेलिवेंट हो। तो इसके अलावा डायरेक्टरीज होती हैं वहाँ पे सबमिट करना, या फिर सोशल बुक मार्किंग करना, सोशल मीडिया पे शेयर करना, ये भी बैकलिंक्स हैं। जहाँ जहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक शेयर होता है ये बैकलिंक है। अब बात ये थी कि जो बैकलिंक्स हैं इनकी तो बेशुमार वेराइटीज़ हैं, इनकी वेब 2.0 होती हैं या 2.0 भी कहते हैं इनको। तो वो कुछ लोग अपनी ज़ाती छोटी मोटी साइट्स बनाते हैं फ्री वाली, उनसे लिंक्स देते हैं, गूगल इनको समझती है कि किसी और ने लिंक किया, ये वर्ड कंसीडर होता है, इससे भी अच्छे अंदाज से लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो है गेस्ट पोस्टिंग है, ये स्ट्रॉन्ग तरीन वर्ड्स हैं, और ये अगर आपने अच्छी वेबसाइट से लगाए हों अच्छे अंदाज से ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छा, बात ये थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आपकी साइट की सेटिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी साइट गूगल से रेलिवेंट हो। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वूमेन, तो टॉपिक के अंदर यहाँ पे इनके अंदर लिखा नज़र आ रहा है बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वूमेन। देखें तीनों के अंदर है, एक बंदे ने स्मार्ट और स्पेस वॉच लिखा है, एक बंदे ने स्मार्ट वॉचेस कहा, दूसरे ने स्मार्ट वॉचेस। तो ये आजकल इकट्ठा वर्ड बन चुका है स्मार्ट वॉच, तो बाकी लोग ऐसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यह था कि आपके जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर वो कंटेंट भी होना चाहिए जिस चीज़ पे आप रैंक करना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी, एक इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि मैंने यहाँ पे देखें, मैं करता हूँ डिज़ाइंस वैली, मैंने सर्च किया, मेरी वेबसाइट जो है टॉप पर आई है और साथ में इतनी बड़ी स्पेस लेके गूगल के पेज पे, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है? ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पता क्यों? अगर तो लोग डिज़ाइंस वैली सर्च करते हैं, ये कीवर्ड सर्च किया जाता है ज़्यादा तादाद में, तो फिर ठीक है, मैं टॉप पे आऊँ तो ठीक है। अगर इसे 10-15 लोग सर्च करते हों और ये मैं टॉप पे आ भी जाऊँगा, तो ये इसमें कितनी ट्रैफिक इसमें आ सकेगी? लिहाजा आपका कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कीवर्ड ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे कैसे लोगों ने काम किया, कुछ चंद एक एग्जांपल भी। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखाऊं आपको जो मैंने यहाँ पे खोली थी। ये देखिए, यहाँ पे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन ऑन द मूव। तो इसके बाद सारा जो कॉन्टेंट है बेस्ट स्मार्ट वॉचेस के मुतलका ही है। तो अगर इस अंदाज से लोग लगाएं कि वो चीज़ें स्मार्ट वॉचेस ही हों, उससे मुतलका सारी चीज़ें हों, और वो स्मार्ट वॉचेस भी मोस्टली लेडीज़ के मुतलका ही हों, आपके वहाँ पे वर्ड्स लेडीज़ वुमेन इस तरह के वर्ड्स भी हों, तो ये कंटेंट उस तरह रेलिवेंट होगा। बाकी आपकी साइट की स्पीड, आपकी साइट का यहाँ पे SSL ये लॉक का निशान, आपकी साइट के जो होता है कि लोग जब क्लिक करते हैं यहाँ पे तो क्या वापस नहीं आते? मैंने क्लिक किया तो क्या मैं बैक बटन से वापस नहीं आता? यानी साइट का इतना इंटरेस्टिंग होना कि आपकी साइट पे लोग स्टे करें, वापस ना आए गूगल के सर्च पेज पे। तो ये इस तरह के कई और फैक्टर्स हैं जो कि बड़े इसमें हमें समझने पड़ते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीखेंगे कि हमने कैसे इन सब फैक्टर्स को पूरा करना है और अपनी साइट्स को रैंक करना है।
उम्मीद है आज का जो इंट्रोडक्शन है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक लाजमी कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स इसमें आएगा और आपको इसकी ट्रेनिंग की जाएगी कि आपने कैसे अपनी या क्लाइंट की साइट को गूगल में रैंक करना है। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।